हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जो है बनता तो सिर्फ ₹5 से है, ₹5 के अंदर ही ये बन जाएगा, ठीक है, और बेचा जाता है इसको ₹100 से, ₹100 के से ज़्यादा ही ये मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इसका बिजनेस कैसा होगा वो भी मैं आपको सब बताएंगे। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन है नीचे, रेड बटन को प्रेस कीजिएगा, उसके ठीक पास राइट साइड में एक बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों, आज जिस बिजनेस का मैं बात कर रहा हूँ वो है ये सिंदूर का, ठीक है, लिक्विड सिंदूर, ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है सारा इंडिया में, इंडिया के बाहर में जहाँ जिस देश में, जिस कंट्री में सिंदूर यूज़ किया जाता है, हर जगह पे ये लिक्विड सिंदूर का एक जैसे चल आ गया है, ठीक है ना। पहले पाउडर सिंदूर था, अभी लिक्विड सिंदूर का बहुत चल आ गया है, ठीक है ना। न्यू जनरेशन तो इसको ही चॉइस कर रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिब्बा है, ठीक है, मार्केट में आपको मिल जाएगा लगभग ₹2 में, ठीक है, ₹2-2.5 में ये मिल जाएगा। एक स्टिकर कर लीजिएगा, अच्छा एट्रैक्टिव स्टिकर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये तो सिर्फ जो खाने का फूड कलर है वो लगेगा, थोड़ा सा कैम्फर टेबलेट लगेगा ताकि खुशबू अच्छा आए सिंदूर का, इसमें लगता है इसका रेसिपी यही है, ठीक है। और पूरा जो सिंदूर को घोलना है वो ग्लिसरीन से, ठीक है। ये 2-3 साल 4 साल तक ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक ग्लिसरीन से आप लिक्विड को बना लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें विटामिन ई ऑयल और ये वो जो विटामिन ई कैप्सूल होता है ये तो एक दे दीजिएगा, ताकि इस पर आप लिख सके विटामिन विथ विटामिन ई ऑयल, ओके, विथ विटामिन ई, इससे और भी बिजनेस अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। ये देखिएगा मार्केट में 110-120 में ये बिकता है, ठीक है ना। ज़्यादा दाम को नीचे मत गिराइएगा, ताकि आपका ज़्यादा माल को नीचे, मतलब दाम को नीचे गिराने से आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, ठीक है। ये जो लोग खरीदते हैं ना वो वैसे ही लोग हैं, ठीक है ना। लड़की लोगों का जो सब प्रोडक्ट है होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, जिसमें खर्चा तो ₹5 आता है, ₹10-20 तो बिक जाता है उस वो प्रोडक्ट ₹200-250 में, ठीक है। विश्वास का भी एक जगह है, ठीक है ना, कम दाम में अगर दे देगा तो विश्वास हट जाएगा, ठीक है ना। तो आप नया नया अगर ये बिजनेस में उतरना चाहता है तो एक बहुत ही अच्छा प्लान है, ये आपका लगभग ₹4 से बन जाएगा, और आप एक फ्री गिफ्ट दे दीजिए, एक के साथ एक कभी मत देना, ठीक है।
एक के साथ एक कभी मत देना, इससे बिजनेस का घाटा होगा, ठीक है ना। इसके साथ आपका ही बना हुआ कुछ कुछ प्रोडक्ट, या मैं एक वीडियो लाऊंगा लड़कियों को जो सबसे अच्छा पसंद होता है, हार है, इयर रिंग, वो घर में ही बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका से बनता है और ये बहुत दाम में बिकता है, ठीक है ना। खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपया आ जाएगा, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। हर लड़की मतलब सुहागन जिसका शादी हो गया है वो जाकर इसको देखे तो उसको देखकर इसको खरीद ले, ठीक है ना। अगर अदर्स जो बिजनेसमैन है वो लोग तो सिर्फ इसको ही बेचते हैं, ठीक है ना। आप फ्री दे दीजिए, हर 3 महीना अंतर फ्री गिफ्ट को चेंज करते रहिए, ठीक है ना, इससे फायदा होगा। आप नया है तो कुछ प्लान, नया प्लान कीजिए। बिजनेस तो मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत से बिजनेस नहीं होता, रुपया से बिजनेस नहीं होता, ठीक है। सिर्फ बिजनेस होता है दिमाग से। प्लान करो, नया नया प्लान, कैसे इसको बेचा जाए, क्या है मार्केट है, कहाँ पे इसको बेचा जाए, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए। आप लोग तो सब ठीक ठाक ही है, लेकिन मार्केटिंग अगर करना है किसी प्रोडक्ट का भी, अपने आप को थोड़ा बदल लीजिए। थोड़ा सूटेड बूटेड का ज़रूरत है। रोज सेविंग कीजिए, अगर आपका दाढ़ी है तो दाढ़ी ठीक ठाक रखिए, ताकि आपका लुक जो है वो अट्रैक्टिव हो। आप जिसके पास मतलब बड़ा दुकान में जाएंगे तो आपका बात कम से कम वो सुने, ठीक है ना। ऐसे वैसे जाने से ना वो आपको अंडरस्टिमेट करेगा। आप किसी को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, आप सबके पास जाइए, ठीक है। 50 आदमी के पास जाएगा तो 10 आदमी आपसे ये लेंगे, ठीक है ना। अच्छा बिजनेस का लेन देन कर लीजिए, ओके। तो आप लोग तो मेरे साथ रोजी रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अच्छा अच्छा प्लान मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा छोटा छोटा चीज़ है यूट्यूब में, जिसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लान मैं आपको लेकर, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज यही है, फिर मिलते हैं कल, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।